हमारा प्यारा भारत एक विविध संस्कृति वाला देश है और जिसका इतिहास काफी ज्यादा रोचक रहा है। आपको यहाँ पर हर तरह के धार्मिक लोग मिल जाएंगे जिनके अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं। जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए गंगा जल अमृत होता है और इसे हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय माना जाता है, जिसका उपयोग खासकर पूजा पाठ और कई धार्मिक गतिविधियों में किया जाता है। और अगर बात की जाए मुस्लिम धर्म के बारे में, तो मुस्लिम धर्म में आबे जमजम को बहुत ही पवित्र जल माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा जल को न केवल हिंदू धर्म के लोग पवित्र मानते हैं, बल्कि कई मुस्लिम शासक भी इसे बहुत ही पवित्र मानते थे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं मुगल बादशाहों की, जो गंगा जल को काफी ज्यादा पवित्र मानते थे। लेकिन एक ऐसा मुगल बादशाह था जो गंगा जल को पिया भी करता था, लेकिन ऐसा क्यों, तो चलिए जानते हैं। इतिहास के अनुसार कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर गंगा जल का इस्तेमाल करते थे और इस बात का जिक्र अबुल फजल की किताब आयने अकबरी से मिलता है। इसमें लेखक के अनुसार अकबर को गंगा जल से काफी ज्यादा प्रेम था, इसलिए वो अक्सर अपने सैनिकों से मंगवाया करते थे। न सिर्फ अकबर बल्कि कई मुगल शासक गंगा जल को काफी ज्यादा पवित्र मानते थे। यकीनन आप सभी इस बात से वाकिफ होंगे कि अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे महान और सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को सिंध के राजपूत किले यानी अमरकोट में हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि अकबर मुगल साम्राज्य के तीसरे बादशाह थे और इनके पिता का नाम हुमायूं था। अकबर ने न सिर्फ मुगल साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि इन्होंने कई मकबरे और इमारतों का भी निर्माण करवाया और जिसकी खूबसूरती की आज भी पूरी दुनिया दीवानी है। प्राइवेट लाइफ ऑफ मुगल्स में ये जिक्र मिलता है कि अकबर गंगा जल का इस्तेमाल पीने के लिए ही करता था। कहा जाता है कि जब अकबर फतेहपुर सीकरी में रहते थे तो बादशाह गंगा जल उत्तर प्रदेश से मंगवाया करते थे। कभी अकबर के सैनिक गंगा जल हरिद्वार से तो कभी आगरा से मंगवाया करते थे। साथ ही प्राइवेट लाइफ ऑफ मुगल्स के लेखक रामनाथ के अनुसार अकबर कहीं भी होता, लेकिन वो हमेशा गंगा जल का ही इस्तेमाल करता था। बात करें अकबर की या फिर दूसरे मुगल बादशाहों की, गंगा जल को पसंद करने के पीछे की वजह तो ये थी कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता और जिसे लंबे समय तक आसानी से स्टोर किया जा सकता है। इसलिए जब भी कोई मुगल बादशाह कहीं बाहर युद्ध पर जाते थे तो अक्सर गंगा जल अपने साथ में रखा करते थे। वाकई यह हम सबको बहुत ही हैरान कर देने वाला है, लेकिन आज भी गंगा जल को लेकर लोगों में ये मान्यता बरकरार है और आज भी गंगा जल को बहुत ही पवित्र जल माना जाता है और इसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी शानदार वीडियो में। जय हिंद।